देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीट इंजन के बारे में। मैंने आपको हीट इंजन के पार्ट्स बताए थे, हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। हीट सोर्स का काम कौन करेगा? एक ऐसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली हीट एनर्जी को प्रोवाइड करेगा सिस्टम को। और वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा? वर्किंग सब्सटेंस कोई भी गैस होगी या कोई भी मटेरियल होगा जो क्या करेगा, जो पिस्टन को मूवमेंट करवाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वन साइकिल कंप्लीट होगा और एक साइकिल के कंप्लीट होने पर कुछ वर्क डन होगा, मैकेनिकल वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बाकी की एनर्जी रिजेक्ट कर दी जाएगी सिंक में, और वो सिंक का काम कौन करेगा? सराउंडिंग्स, साइलेंसर के थ्रू जो भी हॉट गैसेज होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, इंजन के चैम्बर से बाहर निकाल दी जाती हैं कंप्रेशन के दौरान, और वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। इसके बाद मैंने आपको एफिशिएंसी बताई थी कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और हीट इंजन में आउटपुट क्या था? वर्क डन। और इनपुट क्या था? Q1 दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितनी हीट एनर्जी ली गई, दैट इज इनपुट। तो उसके बेसिस पर हमने एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलास पढ़े थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स, इसमें सबसे पहला आएगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। सेकेंड हम इसमें डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। कल मैंने जो आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था वो किसका था? वो इंटरनल कंबस्शन इंजन का था। मतलब कि जिस चैम्बर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है वहीं पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वहीं पर कंबस्शन प्रोसेस की जाती है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कंप्रेशन एक्सपेंशन होगी। सेकेंड वन इज इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल क्या है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल है स्टीम इंजन। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 12-16%। मतलब कि 100 जूल की एनर्जी दोगे तो सिर्फ 12 जूल की एनर्जी ही किसमें कन्वर्ट होगी? वर्क डन में। सिर्फ 12 जूल की एनर्जी का वर्क डन होगा, बाकी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी एंड सो ऑन। साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब स्टीम इंजन की वर्किंग कैसी होती है, उसकी वर्किंग के बारे में सुनो। इसमें कंबस्शन कैसा करवाना है? एक्सटर्नल, मतलब कि जहां पर पिस्टन लगा हुआ है वहां पर कोई कंबस्शन नहीं होगा, जो इंजन का चैम्बर है वहां पर कोई भी कंबस्शन नहीं होगा। तो कंबस्शन हमें इंजन की असेंबली से बाहर रखना है। इंजन की असेंबली से बाहर रखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग एक वर्किंग सब्सटेंस का यूज करेंगे। वो वर्किंग सब्सटेंस होता है बॉयलर। तो मैंने यहाँ पर एक लगा रखा है बॉयलर। इस बॉयलर के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर होगी फर्नेंस, फर्नेंस जिसको भट्टी बोला जाता है। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे? कोयला, कॉल डालेंगे, फ्यूल डालेंगे। इस कॉल को किया जाएगा बर्न, तो कॉल को बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट एनर्जी बॉयलर को मिलेगी। बॉयलर के अंदर क्या होगा? बॉयलर के अंदर होगा वाटर। ये वाटर किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ पर ये वाटर है और ये वाटर किसमें कन्वर्ट होने वाला है? दिस बॉयलर इज कंटेनिंग सम वाटर एंड दिस वाटर विल बी कन्वर्टेड इंटू स्टीम। ये स्टीम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर। तो उस हाई प्रेशर को बाहर निकलने के लिए कोई जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो बॉयलर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक थिन पाइप लगाते हैं। थिन पाइप इसलिए लगाते हैं ताकि प्रेशर हाई रहे। तो ये हाई प्रेशर का जो स्टीम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाई प्रेशर स्टीम। हाई प्रेशर की स्टीम को हम एंटर करवाएंगे इंजन की असेंबली में। इंजन की असेंबली में जैसे ही हाई प्रेशर स्टीम आएगी, स्टीम आने पर क्या होगा? यहां पर जो भी स्टीम आएगी वो एक्सपेंड होना चाहेगी। तो हाई प्रेशर से स्टीम आकर के इससे टकराती है, पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करती है। डाउनवर्ड पुश करने पर शाफ्ट पीस के साथ नीचे की तरफ जाती है और क्या होना स्टार्ट हो जाता है? एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ में हमने लगा रखा है ये पुली लगा रखे या व्हील लगा रखे। तो जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो इस व्हील का हाफ रोटेशन पूरा होगा। अब दोबारा से व्हील ऊपर,
व्हील जो है अनदर हाफ रोटेशन पूरा करेगा, अनदर हाफ रोटेशन पूरा करते ही शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, पिस्टन भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहां पर कंप्रेशन होगा, यहां पर फिर से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस हाई प्रेशर को बाहर निकालने के लिए यहां पर वाल्व लगे होते हैं। तो जैसे ही यहां का प्रेशर हाई होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा होता है, इसके साथ में पिस्टन के ही शाफ्ट के साथ में एक वाल्व कनेक्टेड होता है यहां पर। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है, वाल्व ओपन हो जाता है और यहां पर जो भी स्टीम थी वो बाहर चली जाती है, जो भी स्टीम है उसको इस चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल करके हम इसको ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करके दोबारा से क्या करेंगे, यहां पर एक कंडेंसर लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, एक कंडेंसर। ये कंडेंसर इसको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। कूल डाउन करके दोबारा से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्टीम, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये यूज्ड अप स्टीम है, ये स्टीम को क्या किया जा चुका है, यूज किया जा चुका है। तो यूज्ड अप स्टीम यहां पर आती है, कंडेंसर इसको ठंडा करता है, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर यहां पर आकर के फिर से फर्नेस से हीट एनर्जी लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है स्टीम इंजन। कंबस्शन कहां हो रहा है, इंजन की जो असेंबली है उसके बाहर कंबस्शन हो रहा है। तो फ्यूल यहां पर बर्न हो रहा है, इस फ्यूल को बर्न करने से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी हीट एनर्जी बॉयलर को नहीं मिल रही। वो सारी हीट एनर्जी बॉयलर को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये फर्नेस खुद मेटल की बनी हुई है, ये फर्नेस हमने मेटल की बना रखी है। तो ये पूरी फर्नेस गर्म हो जाएगी और ये यहां से कुछ लाइट एनर्जी भी रेडिएट कर रही है, कोयला जलेगा तो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा हीट के रेडिएशन भी हो रहे हैं, आसपास की सराउंडिंग में भी हीट रेडिएट हो रही है इसकी वजह से। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां से हीट के डिसिपेशन होने स्टार्ट हो गए। तो यहां से सबसे पहले हीट का डिसिपेशन हुआ, फिर थोड़ी बहुत एनर्जी बॉयलर को मिली। वो बॉयलर जो है वो खुद मेटल का बना हुआ है, स्टील का बना रखा है हमने। तो ये जो बॉयलर है इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये बॉयलर भी पहले गर्म होगा पूरा, और मेटल है तो ये कंडक्शन करेगा, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, फिर उस हीट एनर्जी से वाटर हीटअप होगा। तो मान लीजिए 100 जूल की एनर्जी थी, 100 जूल की एनर्जी में से इसको ये कॉल को बर्न करने से 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हुई और 20 जूल की एनर्जी तो फर्नेस में ही डिसिपेट होगी, खुद फर्नेस गर्म होगी। अब 80 जूल बॉयलर को मिले, जब 80 जूल बॉयलर को मिले तो उसमें से सिर्फ 60 जूल से ही वाटर हीटअप हुआ और बाकी के 20 जूल से क्या हुआ, इसने भी हीट को रेडिएट किया, हीट एनर्जी यहाँ पर भी डिसिपेट हो रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो हीट एनर्जी के लॉस हो रहे हैं यहाँ पर, सब जगह पर डिसिपेशन हो रहा है। तो 40 जूल की एनर्जी तो ऑलरेडी डिसिपेट हो चुकी है। अब जब ये स्टीम हाई प्रेशर से इसमें मूव कर रही होगी तो ये पाइप कौन सा ठंडा होगा, ये भी गर्म होगा, फिर ये भी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी। तो रेडिएट करते करते लास्ट में जब यहाँ पर चैम्बर के अंदर ये स्टीम आएगी और पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करेगी, फ्रिक्शन के कारण, यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण ये जिस ट्रैक पर मूव कर रहा है इसका व्हील, वहां पर भी फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी। तो अल्टीमेटली 100 में से 90 जूल तो डिसिपेट हो चुके हैं, सिर्फ 10 जूल से वर्क डन हुआ, ये इस पर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, व्हील चलने लगा, जो इंजन है, जो स्टीम इंजन है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का सिस्टम है, और इंटरनल कंबस्शन तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर फ्यूल इनलेट होता है, एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के साथ में पिस्टन कनेक्टेड होता है और ये पिस्टन डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है। डाउनवर्ड मूवमेंट तब करेगा जब एक्सपेंशन हो रहा होगा, और इसके साथ में हमने क्या कनेक्ट कर रखी है, इसके साथ में हमने ये पुली कनेक्ट कर रखी है। तो जब ये पिस्टन नीचे की तरफ, जब ये शाफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो पुली हाफ रोटेशन पूरा करेगी, अनदर हाफ रोटेशन जब पुली पूरा करेगी तो उस समय पर ये इस शाफ्ट को अपवर्ड पुश करेगी और पिस्टन ऊपर जाएगा और कंप्रेशन करेगा। दिस इज द फ्यूल इनलेट, ये फ्यूल इनलेट है। दूसरा, यहां पर हमने स्पार्क प्लग लगा रखा है, ये स्पार्क प्लग हुआ, फ्यूल इनलेट से फ्यूल आएगा, इसी चैम्बर के अंदर बर्निंग होगी, स्पार्क प्लग स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा, उस स्पार्किंग से ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा, फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, हॉट गैसेस। अगर गैसेस गर्म है तो बेसिकली प्रेशर हाई होगा और हाई प्रेशर के कारण पिस्टन पर इतना फोर्स लगेगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। ये पार्टिकल इसके साथ आकर के कोलाइड करेंगे और इनके कोलिजन की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और पुली हाफ रोटेशन पूरा करेगी। अब जब ये पिस्टन बिल्कुल नीचे आ चुका है तो हाफ रोटेशन पूरा हो चुका है। पुली है काफी हैवी, इसके पास है मास, तो जिसके पास मास है और अगर वो मूविंग है तो कैसा रहना चाहेगा, मूविंग ही रहना चाहेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर ये मोशन में था तो ये मोशन में रहेगा, इसी वजह से अपना अनदर हाफ रोटेशन पूरा करेगा।
अनदर हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसके साथ ये शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी और पिस्टन भी ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर गैस का होगा कंप्रेशन और उस कंप्रेशन में वाल्व ओपन होगा। वाल्व ओपन होते ही ये जो गर्म गैसेज है, हॉट गैसेज है, ये सिंक में चली जाएंगी, मतलब सराउंडिंग में चली जाएंगी। सो दिस इज द इंटरनल कंबस्शन इंजन, जहां पर हमने फ्यूल को बर्न किया इसी चैम्बर के अंदर, इंजन की जो असेंबली है उसी के अंदर फ्यूल को बर्न किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया ना, ये पेट्रोल इंजन का डायग्राम है, पेट्रोल एंड डीजल इंजन। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। जैसे कि आपने सीसी के बारे में सुना होगा, लिखा होता है कि ये जो कार है इसका इंजन है 1000 सीसी का। 1000 सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। तो मतलब कि एक लीटर का इंजन है। यहां पर जो गैसेज हैं, ये पिस्टन जब पूरा नीचे चला जाता है तो ये कितनी वॉल्यूम यहां पर फिल हो जाती है गैसेज से? 1 लीटर। तो इसको 1 लीटर इंजन बोला जाता है। 1000 सीसी का जो इंजन है 1 लीटर इंजन बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके अलावा इसमें हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है? स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। स्पार्किंग प्रोड्यूस होने से ये जो फ्यूल है ये बर्न होना स्टार्ट होगा। ये क्या होगा? ये बर्न होना स्टार्ट होगा। ये असेंबली होती है पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन के अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, कोई स्पार्किंग नहीं होती, तो फ्यूल कैसे बर्न होगा फिर? अगर स्पार्किंग ही नहीं होगी तो फ्यूल कैसे बर्न होगा? देखिए, डीजल इंजन जो होता है उसका जो चैम्बर होता है वो क्या होगा? थिक होगा, थिक वॉल्स होती हैं इसकी। क्योंकि डीजल जब बर्न होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, किसके कंपैरिजन में? पेट्रोल के कंपैरिजन में। क्योंकि डीजल के अंदर जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो लॉन्ग चेन है, C14 तक की हो सकती है, जिसमें कार्बन 14 होंगे। इस तरह की चेन्स होती हैं, CH3 CH2 डैश डैश डैश, ऐसे 14 कार्बन जुड़े होंगे। तो ये लॉन्ग चेन जो बनेगी ये डीजल है। और पेट्रोल के अंदर क्या होगा? पेट्रोल के अंदर 7-8 कार्बन की चेन्स होती हैं। तो CH3 CH2 CH2 ऐसा करते करते 7-8 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। वो क्या है? वो हाइड्रोकार्बन है। तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो डीजल है उसमें कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसको बर्न होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इग्निशन टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो स्पार्क प्लग जो स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा उससे डीजल बर्न नहीं होगा। स्पार्क प्लग से जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी उससे क्या बर्न नहीं होगा? उससे डीजल बर्न नहीं होगा। तो यहां पर क्या लगा होता है? यहां पर एक नोजल लगी होती है जिसको फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको फ्यूल इंजेक्टर बोला जाता है। और ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है ये किस तरह का काम करेगा? ये फ्यूल को यहाँ पे इंजेक्ट करेगा, मतलब कि फ्यूल का स्प्रे करेगा यहाँ पर। और फ्यूल जब यहाँ पर आएगा तो उस समय पर हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? यहाँ पिस्टन लगा रखा है। और ये पिस्टन बिल्कुल डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ जाएगा। अब इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक पुली लगी होगी और इस पुली के साथ में हमने बेल्ट लगा करके मोटर लगा रखी है। तो जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं उस समय पर ये पुली रोटेट करती है और पिस्टन को नीचे लेकर के जाती है, फिर अचानक से ऊपर लेकर के जाती है। तो जब फ्यूल यहां पर आ जाएगा, जब ये डीजल यहां पर आ जाएगा तो कंप्रेशन होगा। ये पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो गैस ठंडी हो जाती है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल होता है, और कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है। तो यहां पर होगा सडन कंप्रेशन, और जो वॉल्स हैं वो काफी थिक हैं। तो कैसा है? कैसा कंप्रेशन करना चाहेंगे हम? एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो बेसिकली जब ये ऐसा कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने पर यहाँ का टेम्परेचर 200 या 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा डीजल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया टेम्परेचर, और ये डीजल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बर्न होगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वो गैसेस फिर इस पिस्टन को नीचे लेकर के जाएंगी। ये पुली हाफ रोटेशन पूरा करेगी, फिर अनदर हाफ रोटेशन पूरा करेगी, तो पिस्टन वापस ऊपर आएगा और इन गैसेस को साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चों के दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन आते हैं
कि हम लोग डीजल वाले इंजन के अंदर पेट्रोल को डाल दे तो क्या होगा, तो भैया भारी संकट हो जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो डीजल होता है उसके अंदर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब लुब्रिकेशन का काम करता है, वो इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करता है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर से पहले एक और असेंबली लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल फिल्टर, ठीक है। और ये जो फ्यूल ऑयल फिल्टर होता है, फ्यूल ऑयल फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, वो फ्यूल को धीरे धीरे छान करके आगे भेजता है। तो बेसिकली जब आप पेट्रोल को फिल कर दोगे किसी डीजल इंजन के अंदर, तो वो जो इसके इससे पहले जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर के अंदर जैसे ही पेट्रोल जाएगा तो फ्यूल फिल्टर के अंदर भी एक कंप्रेसर लगा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, वो ऑयल को कंप्रेस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि वो जो फ्यूल है, वो फ्यूल भी तो हाई प्रेशर से इस सिस्टम के अंदर आएगा, तो अगर हाई प्रेशर क्रिएट करना है फ्यूल पर, तो इससे पहले एक फ्यूल फिल्टर लगा होता है, ऑयल फिल्टर बोलते हैं जिसको। तो पेट्रोल को जब आप उसमें डालोगे तो ऑयल फिल्टर मेटल का बना हुआ है, और पेट्रोल जो होता है वो ड्राई होता है, वो लुब्रिकेशन का काम नहीं करेगा। तो डीजल तो लुब्रिकेंट का काम करता था, फ्रिक्शन को कम करता था, अब ऑयल फिल्टर के अंदर क्या होगा, मेटल के पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ऑयल फिल्टर में मेटल के पार्टिकल्स बनेंगे, तो जब वो फ्यूल इंजेक्टर तक आएंगे, फ्यूल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, तो उसमें होंगे मेटल के पार्टिकल्स, वो मेटल के पार्टिकल्स यहाँ पर आकर के फ्यूल इंजेक्टर को बंद कर देंगे, फ्यूल आगे जाना बंद हो जाएगा। और बाई चांस आगे चला भी गया तो क्या होगा, तो पेट्रोल तो बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है। तो जैसे ही ये कंप्रेशन होने लगेगा, पूरा कंप्रेशन नहीं होगा, उससे पहले ही पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन होते ही यहां पर इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा कि पेट्रोल बर्न हो जाएगा, तो वो पेट्रोल उसी समय बर्न हो जाएगा जबकि पूरा कंप्रेशन तो हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही बर्न हो गया। तो अगर डीजल इंजन के अंदर अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो इसमें ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि जब पेट्रोल ऑयल फिल्टर में जाएगा तो ऑयल फिल्टर को चौक कर देगा, खराब कर देगा, फ्यूल इंजेक्टर को खराब कर देगा। इसके अलावा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन पर भी डीजल की बजाय वो पेट्रोल आ रहा है, तो पेट्रोल क्या है, ड्राई है, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी नहीं है, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन के कारण ये पार्ट्स भी क्या होने शुरू हो जाएंगे, वियर और टीयर होने शुरू हो जाएंगे, वियर एंड टीयर खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये पिस्टन टूट सकता है, हो सकता है इंजन पूरा ब्लॉक ही हो जाए, मूव ही ना करे। So this is the problem when you will fill the petrol in the diesel engine, जब आप diesel engine के अंदर petrol डाल देंगे। अच्छा, इसका उल्टा करें तो अगर petrol engine के अंदर diesel को डाल दे तो diesel burn ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि spark plug जो sparking produce कर रहा है उससे इतना ignition temperature नहीं बनेगा कि जिससे कि क्या हो सके, ये diesel burn हो सके। तो petrol engine के अंदर diesel को डालोगे तो वो इंजन चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसका जो टैंकर होगा उसको ओपन करवा के उसमें से सारा डीजल निकाल लेंगे, फिर पेट्रोल डालेंगे तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर डीजल को ऐड कर दें तो बस वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, वो चलेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ वियर टीयर नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अगर आप डीजल वाले इंजन के अंदर पेट्रोल फ्यूल को ऐड करके चलाते हैं तो सारे के सारे पार्ट्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है इंजन जो है वो ब्लॉक हो जाए। So these are the problems when you will change the fuel. जब आप फ्यूल को चेंज करोगे, क्योंकि सारे फ्यूल सेम नहीं है, सब हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कोई ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कोई कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और सबके इग्निशन टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो इंजन को उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे। और ये डीजल इंजन किसने बनाया था, रुडोल्फ डीजल ने, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था कि मैंने जो इंजन बनाया है वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा शायद। लेकिन अभी जो व्हीकल्स आ रहे हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, वो सारे किसके बने होते हैं, डीजल इंजन के बने होते हैं। तो इन्होंने इसको बनाया था रुडोल्फ डीजल ने। देखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, डीजल जो है उसके अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो बेसिकली जिसमें फ्रिक्शन कम होगा एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी, हीट के डिसिपेशन कम होंगे। तो जो डीजल इंजन होते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इनकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास होती है। और जो पेट्रोल इंजन होते हैं जिनमें स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस करके फ्यूल को बर्न किया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है,
और पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्सीमेटली 26% से 30% तक होती है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन। ओके, तो ये इनकी एफिशिएंसीज हैं। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी तो बहुत कम है, 12-16% है। उसका कारण क्या है कि कंबस्शन ही सिस्टम के बाहर हो रहा है। और वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर? वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस वाटर है। इसी वाटर की वजह से कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस क्या है? यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है गैसेस। जो गैसेस कब प्रोड्यूस होंगी? फ्यूल को बर्न करने से प्रोड्यूस होंगी। तो पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर, पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है? गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल की बर्निंग से प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है वाटर।